लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूँ आपके साथ कविता पांडे। ₹2020 शुरू हो गया है, लेकिन 2019 को भुलाया नहीं जा सकता। बात बुरहानपुर शहर की करें तो इस 2019 में पुलिस ने T20 मैच के एक फुर्तीले खिलाड़ी की तरह तत्पर रहकर शहर में जो व्यवस्थाएं बनाए रखी वो तारीफे काबिल रही। शहरवासी बोले साल 2019 था, लेकिन पुलिस ने T20 खेलकर सभी का दिल जीत लिया। ऐसा इसलिए कह सकते हैं कि पिछले साल में बड़े बड़े फैसले हुए। इन फैसलों के दौरान देश भर में जगह जगह घटनाएं हुई, लेकिन बुरहानपुर की बात करें तो कुछ घटनाओं को छोड़कर अयोध्या धारा 370 ट्रिपल तलाक के दौरान शहर में शांति व्यवस्था ऐसी रही कि पूरे देश के लिए एकता की मिसाल बना। इसका पूरा श्रेय शहर वासियों ने पुलिस को दिया है। जिले का हर जवान तत्पर रहा, कहीं कोई सूचना मिली तो तत्काल कार्रवाई की गई, कहीं भी अफवाहों को फैलने नहीं दिया गया। पुलिस जवानों ने गश्त करके शहर में चप्पे चप्पे पर नजर रखी तो सोशल मीडिया पर पुलिस की साइबर सेल ने बेहतर तरीके से संभाला। कुछ घटनाएं सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने की हुई, लेकिन पुलिस ने तत्काल कार्रवाई कर आपत्तिजनक पोस्ट अपलोड करने वालों को पकड़कर सीधे जेल भेजा। SP अजय सिंह के नेतृत्व में जिले भर में लोगों से संवाद किया गया। पुलिस खुद गांव-गांव शहर की वार्डो में पहुंची और लोगों से सहयोग मांगा, आग्रह किया। पुलिस के इस पहल का शहरवासियों ने दिल खोलकर स्वागत किया और अपने अपने क्षेत्रों में ऐसा आपसी प्रेम भाईचारा बनाए रखा कि अन्य शहरों के लिए प्रेरणा का काम किया है। पुलिस ने पूरी सूझबूझ से काम किया। समाज सेवी नफीस मंसूर खान ने कहा, पुलिस का 100% सहयोग रहा। लगातार 3 माह में बड़े बड़े मामले हुए, फैसले हुए, लेकिन पुलिस ने सूझबूझ से काम किया, जनता से सहयोग लेकर शांति बनाए रखी। पुलिस प्रशासन बधाई के पात्र है। इसमें पुलिस विभाग ने जितना सपोर्ट किया आज तक किसी ने नहीं किया। उसकी वजह यह थी कि लगातार ये 3 महीने के अंदर बाबरी मस्जिद का फैसला आना, उसके बाद ये CACA, उसके बाद दूसरे काम मर्डर केस बुरहानपुर में, ऐसे मामले आए थे शहर के अंदर। उसके बाद पुलिस प्रशासन ने इतना लोगों के साथ सूझबूझ कर मिलकर काम करा है, वो इतिहास में अभी तक नहीं मिलता कि इतना पुलिस ने सपोर्ट करके पब्लिक के अंदर बीच में जाकर पब्लिक का सपोर्ट लेकर शहर में शांति बना के रखी। और इसके अंदर बधाई के पात्र है पुलिस प्रशासन और यहाँ का विभाग जो भी मौजूद थे उस दौर में। वरिष्ठ पत्रकार अकील आजाद ने कहा, नवंबर दिसंबर का माह प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रहा। अयोध्या मसले पर जो फैसला आ रहा था उसको लेकर पूरे देश में अलर्ट था। उसी को देखते हुए बुरहानपुर में प्रशासन ने लॉ एंड ऑर्डर बेहतर रखा, कहीं भी कोई घटना नहीं हुई। कहीं कुछ छुटपुट घटनाएं हुई तो SP ने तुरंत कार्रवाई की, शहर को नियंत्रण में रखा। देखिए, 2019 का जो दिसंबर का माह रहा है, नवंबर दिसंबर, वो प्रशासनिक दृष्टि से, लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि इसमें अयोध्या मामले को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना था उसको लेकर पूरे देश में अलर्ट की स्थिति थी। और उसी को देखते हुए बुरहानपुर ज़िले में पुलिस प्रशासन ने लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बहुत बेहतर तरीके से रखा। कहीं किसी भी किस्म की कोई ऐसी वारदात नहीं होनी थी। जहां पर भी शहर के गणमान्य जनों ने यदि किसी मामले पर ध्यान आकर्षित कराया तो जिला पुलिस अधीक्षक ने उस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए सारे मामलों को जो है नियंत्रित किया। और इस तरीके से देश भर के साथ ही बुरहानपुर में भी इस लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत बेहतर तरीके से स्थानीय पुलिस प्रशासन ने संभाली। डॉक्टर मनोज अग्रवाल ने कहा, 2019 याद किया जाएगा महत्वपूर्ण फैसलों के लिए। 370 धारा, CAA, ट्रिपल तलाक, राम मंदिर, बड़े बड़े त्योहार हमने मनाए, कठोर और बड़े फैसले हुए। प्रशासन की भूमिका सकारात्मक रही, कुछ घटनाएं छोड़ दे तो हर त्योहार और घटनाओं में सराहनीय योगदान रहा। बुरहानपुर में एक नारा तक बुलंद नहीं हुआ, आक्रोश उपद्रव नहीं हुआ, कानून व्यवस्था संभाले रखी। शहरवासियों ने पूरे देश के लिए प्रेरणा का काम किया। देखिए, 2019 जो है हमेशा याद किया जाएगा कुछ महत्वपूर्ण और कठोर फैसलों के लिए। उदाहरण के लिए मैं बताऊंगा, जैसे 370 धारा, ये बहुत सालों से पेंडिंग थी, 370 धारा लोगों ने वो करी। उसके बाद आप देखेंगे CAA बिल आया, राम मंदिर का फैसला आया, इसके अलावा ट्रिपल तलाक का आया,
गगनयान हमने जो है चंद्रयान मिशन टू लोग करा, बड़े बड़े त्यौहार हम लोगों ने मनाए। तो कुल मिला के जो है 2019 अगर कभी याद किया जाएगा तो कठोर और बड़े फैसलों के लिए याद किया जाएगा। शहर के युवा दीपक राजानी ने कहा कि 2019 में बड़े फैसले हुए। अयोध्या तीन तलाक का मुद्दा था, CAA पारित किया गया, पुलिस ने सतर्कता रखी। सबसे अच्छा जो लगा वो पुलिस की मॉक ड्रिल थी। इसमें पुलिस ने पूरा घटनाक्रम बताकर शहरवासियों को संदेश दिया कि पुलिस आपकी सुरक्षा के लिए है, शहर में जो अराजकता नहीं फैली, अच्छा संदेश दिया। बड़े बड़े फैसले हुए, जो अयोध्या फैसला था राम मंदिर वाला, एवं जो तीन तलाक का मुद्दा था, एवं नागरिकता संशोधन जो कानून पारित किया है सरकार ने, उस संबंध में पुलिस ने बहुत सतर्कता रखी और बहुत अच्छे अच्छे निष्पक्ष जांच करके और बहुत अच्छे अच्छे मॉक ड्रिल, और ये जो सबसे अच्छा जो लगा 2019 में, एक जो मॉक ड्रिल करी थी पुरानी जो जिला चिकित्सालय, उसमें आतंकियों के छुपे होने की, कैसे उनको पकड़ा, कैसे उनकी वो करी, तो उसमें कैसा है कि जो शहर में जो अराजकता फैलनी थी या जो भी कुछ होना था वो ना हुआ। बहुत ही अच्छा सपोर्ट किया गया पुलिस का, बहुत ही सराहनीय काम रहा पुलिस का, बहुत अच्छे ने संदेश दिया पुलिस ने। SP अजय सिंह ने बताया कि लॉ एंड ऑर्डर में हम लोगों ने थाना स्तर, बीट स्तर, सभी जगह पर जनता से संवाद किया। विद्यार्थी, युवा समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों की 500 से ज्यादा बैठकें की, बुरहानपुर शांति पुरस्कार की घोषणा की थी। नगर सुरक्षा समिति, ग्राम रक्षा समिति, आमजन ने सहयोग किया, उन्हें सम्मानित किया गया। इसके अलावा पुलिस अधिकारियों को विभिन्न त्योहारों में शामिल होने के लिए कहा गया। लोगों के बीच कम्युनिकेशन गैप नहीं रहा, सभी ने एक दूसरे से लगातार संवाद किया। जिन्होंने त्योहार के दौरान गड़बड़ी की थी उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। ऐसे लोगों पर पूरे साल में 1500 से ज्यादा पर कार्रवाई की गई, सूचनाओं पर तत्काल कार्रवाई की गई। पुलिस लाइन में जवानों को प्रैक्टिस कराई गई। बुरहानपुर से तफजुल हुसैन मुलायमवाला की रिपोर्ट। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।